क्योंकि इस अपडेट के बाद गेम के अंदर बहुत सारे न्यू सेटिंग आए, उसमें से एक ही है। और मेरे दोस्त लोग को रील्स बनाने का बहुत शौक है। काटू कैसे रहा? ये वाला नहीं, ये वाला रील्स बनाने का बहुत शौक है, ठीक है। तो यार उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है एंड आप लोग के लिए भी। एंड बस इतना ही नहीं, और बहुत सारे सेटिंग जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड बताऊंगा आपको वो सेटिंग को ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ऑन करना चाहिए तो कैसे करके आप यूज कर सकते हो उसको, सब कुछ आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस पहले सेटिंग जितना बढ़ते हो जो कि सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत बार होता है कि आप बहुत जल्दी मर जाते हो और अपने टीममेट्स का गेमप्ले देखते हो, और जो कि किसी को पसंद नहीं होता अपने टीममेट्स का गेमप्ले देखना, जैसे कि मेरे को बिल्कुल ही पसंद है, और बात भी करनी रहती है तो गेम ओपन करके ही रखना पड़ता है। बट अभी ये जो सेटिंग है इसको अगर आप ऑन कर लेते तो आप बैकग्राउंड में, मतलब फ्री फायर को बैकग्राउंड में रखते हो और कोई और ऐप चला रहे हो जैसे व्हाट्सएप, तो या आप बात भी कर सकते हो अपने दोस्तों से और व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर सकते हो। हाँ मुझे पता है ये थोड़ा बहुत कॉल जैसा है, मीन्स आप किसी बंदे से कॉल पे बात करते हो बैकग्राउंड में, जैसे कंटिन्यूसली बात करते रहते हो ऐसा ही है। मीन्स आप ऐप भी चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, फिर फ्री फायर में वापस से जा भी सकते हो। मीन्स बैकग्राउंड में उनका आवाज आता रहेगा, आप कोई और भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो एंड साथ में उनका भी आवाज आएगा, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो बैकग्राउंड से भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोलूंगा आप इस सेटिंग को जरूर से यूज कर सकते हो, स्पेशली निबा डिबी के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भाई ऐसा भी कोई सेटिंग आया। अभी बिना कटा इसकी गाइस दूसरे सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स हमारे टाइम पे अगर मुझे यूट्यूबर बनना था, मतलब कुछ भी करना था, यूट्यूब करना था या कुछ भी रिकॉर्डिंग करना था, तो पहले रिकॉर्डिंग के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसका सेटिंग करो, फिर स्टोरेज ये सब का सीन होता है, बहुत सारे सेटिंग का सीन होता है। बट तुम्हारे टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है फ्री फायर वालों ने, क्योंकि ये सेटिंग आ चुका है अभी गेम के अंदर, तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो कि बहुत बड़ी बात है। लॉबी के लिए अलग है, गेम के लिए अलग है, इधर से साउंड ऑफ ऑन भी कर सकते हो गेम साउंड का। तो यह तुम लोग के लिए यूट्यूब करना और भी ज़्यादा ईजी हो चुका है क्योंकि अभी गेम के अंदर रिकॉर्डिंग आ चुका है। तो ज़्यादा तुम लोग को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या मतलब बाहर से कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर ये सबसे डाउनलोड करने का झंझट नहीं रहेगा, तो इधर से भी आप यूज़ कर सकते हो। रील्स बनाना है रील्स बनाओ, बट ये वाला अभी बढ़ते गाइस तीसरे सेटिंग की तरफ, वो ये है गाइस कि पहले क्या होता था हमारे बैग में फालतू के बहुत सारे एमो पड़े रहते जिसकी जरूरत नहीं थी, जैसे कि स्नाइपर एमो हो गया, ये सब एमो हो गया जिसकी जरूरत नहीं थी फिर भी रहता था। बट अभी एक न्यू ऑप्शन आया जिस पर आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपके काम के, मीन्स जितने भी आप यूज ना आने वाले जो चीज है, जैसे कि कोई एमो हो गया जिसका यूज नहीं आने वाले आपके गन में, तो वो सब बाहर निकल जाएगा अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो। तो मैं जरूर से बोलूंगा कि फ्री फायर ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया, वैसे बहुत सारे किए बट ये कुछ ज्यादा ही अच्छा था। अभी चौथे सेटिंग कितना बढ़ती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपको कंट्रोल्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला आइटम फाइंडर जिसको आप ऑन कर सकते हो। मीन्स आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको मिलेगी, जैसे कि अगर आपके पास वेस्ट नहीं है या बैकपैक नहीं है, वो आपको दूर से ही दिखा देगा कि कितने मीटर पे दूरी पे किधर है किस जगह पे, वो आपको ऑलरेडी दिखा देगा। और ये सच में बहुत ज्यादा काम आता है, मीन्स आपसे जो जरूरी चीज है वो आपसे छूटेगी नहीं। अभी बिना कटा इसके गाइस पांचवे सेटिंग के तरफ बढ़ते जो कि अभी कंट्रोल्स में न्यू आया, जो कि ये वाला मीन्स न्यू ग्लो वॉल का बटन आया, जो कि हमेशा आपको दिखेगा, परमानेंट ग्लो वॉल बटन है, जो कि अगर आपके पास ग्लो वॉल नहीं है तो भी आपको दिखेगा कि जीरो ग्लो वॉल है करके। तो मैं बोलूंगा इसको ऑफ कर लो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे करके ग्लो वॉल यूज कर सकता हूँ या फिर जैसे करके करना है कर सकता हूँ, इतने सारे बटन की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं बोलूंगा आप ऑफ करके ही रखो, अगर आपको ऑन करना है तो कर भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट ऑफ करके रखोगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा अगर टू फिंगर में खेलते हो तो। अभी बिना कोई डाइस की गाइस न्यू छठवे सेटिंग के तब बढ़ते जो कि सच में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यू मैसेज आ चुके, तो आप उसको सीएस के हिसाब से, रैंक के हिसाब से एंड या अदर्स मतलब लोन वुल्फ हो गया और भी बहुत सारे अलग अलग मोड हो गए, उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो, जो जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये मैसेज होगा जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो या आपको जो मैसेज अच्छा लगे वो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते एंड या गेम के अंदर यूज कर सकते हो। अभी बढ़ते गाइस सेंस सेटिंग की तरफ जो कि न्यू है और लास्ट है, जो कि साउंड्स में आए, ये दो न्यू साउंड्स आए, व्हील वाला और ये ड्रॉप वाला। मीन्स अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करते तो ऐसे साउंड आता था, वो आपको ऑन करना ऑफ करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप ये वाला साउंड जो मतलब मैसेज भेजते तभी आपका जो साउंड आता है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको ऑन करना तो करो वरना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड या गेम के अंदर और भी बहुत सारी चेंज आए, जैसे लॉबी में आए ये सब आए, तो ये कुछ सेटिंग थे गाइस जो कि न्यू आया अपडेट के बाद। एंड सच बता रहा हूँ इस बार जितने भी सेटिंग आए ऑलमोस्ट 90% यूजफुल थे, बस ये था एक, बाकी सब बढ़िया था, बाकी सब एक नंबर। तो चलो गाइस आज की वीडियो होता है, होप आपको वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड या चैनल पे पहले आ जल्द से सब्सक्राइब कर देना एंड या मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक बाय बाय एंड पीस।